मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक गुजराती दुकानदार और एक मराठी दुकानदार के बीच में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान के अंदर मारपीट हो रही है। इसमें कुछ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। दरअसल ये पूरा मामला डोंबिवली पूर्व स्टेशन के बाहर रामनगर इलाके का है, जहाँ एक गुजराती दुकानदार ने एक मराठी दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र शेलार की कपड़े की दुकान है और दुकान से लगकर ही बगल में एक देवराज पटेल दुबरिया की भी दुकान है। देवराज पटेल दुबरिया शेलार के दुकान के सामने ही कपड़े पहनाकर स्टैच्यू खड़ा कर दिया था और मना करने पर ये मान नहीं रहा था। शेलार ने जब स्टैच्यू हटाना चाहा, जिसके बाद देवराज पटेल दुबरिया और उसके दो बेटे मयूर दुबरिया और प्रीतेश दुबरिया ने शेलार के दुकान में घुसकर राजेंद्र शेलार और उसकी बीवी स्वर्णा और भाभी अंजना को जमकर पीटा और दुकान में भी नुकसान पहुंचाया है। राजेंद्र शेलार ने देवराज दुबरिया, मयूर दुबरिया और प्रीतेश दुबरिया के खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन में 452, 324, 323, 427, 34 के तहत मामला दर्ज कराया है। म्हणजे आमच्या बाजूला बाजूचा जो दुकानदार आहे त्याचं ते स्टॅच्यू साईडला करायला मी त्यांना सांगितला, त्या म्हणजे कारणावरून त्यांनी आम्हाला मारहाण केली आमच्या आणि महिलांना, विशेष करून आमच्या महिलांना मारहाण केली आणि आमचंच सामान म्हणजे छत्रीचं वगैरे नुकसान करून आमच्या छत्रीचंच आम्हाला मारण्यात आलं आणि मारहाण करून त्यांनी आमच्या ह्याचं प्रॉपर्टीचं जे नुकसान केलं आणि जे आमच्या महिलांना विशेष करून जी मारहाण झालेली आहे, तर पोलीस प्रशासनाला माझी एवढीच प्रार्थना आहे की त्यांनी आमचं हे मालमत्तेचं नुकसान आणि त्यांनी जे महिलांना मारहाण केले त्याच्याबद्दल कठोरात कठोर त्यांची कारवाई व्हावी, हीच माझी पोलीस प्रशासनाला प्रार्थना आहे।